के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्यगण आपके, एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर, बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और नंबर देना। आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब ऐसे प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको अपनी चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के आज उन पर जब आपको अलाउ किया गया, आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूँ इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूँ मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है सर। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सर हाउ कैन पीएम स्पीकिंग, होम मिनिस्टर स्पीकिंग, यू आर नॉट टेलिंग दिस, यू आर ओनली एडवाइसिंग एलओपी सर, हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी सर, हाउ कैन इट बी, आप झूठ बोलना चाहिए सर, आप झूठ बोलना चाहिए, आप झूठ बोलना चाहिए सर। मैं तोड़ो उसके आगे पीछे वाला स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा प्लीज बैठिए, पाइप ऑफ ऑर्डर जानते हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, प्लीज बैठो, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये दो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो सर, इनके पास राजस्थान वाला भी बोलो सर, इनके पास, सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूँ, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आपको, आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज, नो नो, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, सर आप यहां से बातें करते हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते।
चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है, देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, ऐसा नहीं होता है। प्रतिपक्ष के नेता आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते, डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं। सर, मैं समझता हूं। एक मिनट, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी, प्लीज आपको नहीं बोलना है, प्लीज राहुल गांधी। स्पीकर सर, मैं बात समझता हूँ, प्लीज एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबा सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. Yes. It is a democracy, sir. Yes. He can defend them. Yes. Yes. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके सदस्य happily, sir. मान्य आपके सदस्य आज बैठे-बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई नियोजित तरीके से आएंगे आप? No, मान्य जी। So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था। फिर शुरू हो गया। मैं सर, संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तय। मैं पोस्टर नहीं आने दूंगा। गलत तरीका है। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। नो, सर 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 सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके अभी परमिशन नहीं है आपको सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ नियम के तहत, परमिशन मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है, कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है?
वही 2-3% लोग, और बढ़ता किसको है, वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको, सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यू वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यू भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यू वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे।